नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरीशंकर। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और उससे पहले तमाम पार्टियां मंथन कर रही है कि कैसे जीता जाए और दूसरी पार्टियों को कैसे शिकस्त दी जाए, कैसे दूसरी पार्टियों की रणनीति को धराशायी की जाए। और एक बात जो तय नजर आ रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी लोगों की बस एक ही नज़र है कि कौन है जिताऊ उम्मीदवार। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसके अंदर भी खोजबीन चल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसके सभी उम्मीदवार जिताऊ हैं, वहीं आम आदमी पार्टी एक बड़ा और तीसरा विकल्प जनता के सामने पेश करने का दावे कर रही है। लेकिन जनता किधर जाएगी, ये सवाल दरअसल अभी किसी को इस सवाल का जवाब भी पता नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ रणनीति है, क्या तैयारियां चल रही हैं, उत्तराखंड मिशन 2022 को कैसे फतह किया जाएगा। लेकिन पहले दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। चुनाव जीतने के लिए सियासी मंथन जारी। देवभूमि में पार्टियां बना रही चुनावी रणनीति। जिताऊ उम्मीदवारों पर ही पार्टियों का लगेगा दांव। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सियासी दलों ने अपने चुनावी बिगुल बजा दिए हैं और चुनावी रणनीति पर अमल करते हुए अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय कर उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की आज से चुनाव प्रबंधन कमेटियों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति को बेहतर बताकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे की पोल भी जनता के सामने खोलने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 बैठकें हैं, 24 और 25 तारीख को संपन्न होनी है। 24 तारीख में अपने चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लोकेट चटर्जी और 25 तारीख को दुष्यंत जी इन बैठकों में रहेंगे। ये अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग बैठकें हैं। इस बार कांग्रेस हाईकमान द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत की गई है कि स्क्रीनिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, आज से उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जल्दी स्क्रूटनिंग करके टिकटों के जो है अनाउंस हो जाएंगे, जिससे कैंडिडेटों को समय मिलेगा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, व्यवस्था करने का। पहले लास्ट ऑफ द मोमेंट टिकट होते थे तो कैंडिडेट उतने प्रभावी तरीके से अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक नहीं ले जा पाते थे, तो ये अच्छी शुरुआत है। और जो ऊर्जा इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, वो इस बात का प्रतीक है कि इस प्रदेश से बीजेपी की विदाई होने जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी दल अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन कर अमृत निकालने में जुटे हैं, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को पाया जा सके। लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है और ऐसे में सियासी दलों को अब अपने जिताऊ कैंडिडेट पर ही भरोसा है जो उनकी नैया पार लगा सके। देहरादून से अभय कैनपुरा की रिपोर्ट। और इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश ऐठानी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हरीश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। देवेंद्र भसीन जी, आपका स्वागत है। शिशुपाल रावत जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत आपका स्वागत है शिशुपाल रावत जी। और सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर देवेंद्र भसीन से। आप भसीन साहब, एक बात बताएं, देखिए चुनाव बहुत ही नज़दीक अब है ना, बहुत वक्त तो नहीं रह गया चुनाव के लिए। रणनीति कोई भी पार्टी अपनी बताती नहीं है, जब चुनाव प्रचार या रैलियों के वक्त जब सारी चीज़ें भाषणों में या फिर रैली में जब चीज़ें दिखती हैं तब पता चलता है कि अच्छा बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन फिर भी जनता को समझ में कई चीज़ें एकदम से आसानी से आनी चाहिए। वो आसान चीज़ें क्या हैं सर, मैं अंदर की बात नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आसान चीज़ें क्या हैं जिसके आधार पर बीजेपी जीतने के दावे कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर चुकी है और संगठनात्मक तैयारियों के साथ साथ हम जनता के बीच में भी सीधे तौर पर जा रहे हैं और हमारा महासंपर्क अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। अभी आपने देखा कि हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी और उनके सहयोगी तथा प्रदेश के प्रभारी जी भी देहरादून में हैं और दो दिन की जो संगठनात्मक बैठकें होने वाली है, इसे मुझे छुपाने में कोई हर्ज नहीं है कि 33 विभाग हमने अपने चुनाव प्रबंधन कमेटी के बनाए हैं और उसमें किस
विभाग ने कितना काम किया है उसकी समीक्षा हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं राज्य और उनके सहयोगी करने वाले हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारा इस समय घर घर भाजपा हर घर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर और करीब 2.25 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के पत्थर फाड़ रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं आदि आदि सभी कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जारी है और अभी जो विधानसभा सत्र हमारा समाप्त हो जाएगा 7-8 तारीख में उसके बाद हमारी प्रदेश व्यापी एक विजय संकल्प यात्रा जो है प्रारंभ होगी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ गया भसीन जी, लेकिन एक एक बात इसका भी जवाब दे दीजिए। इसके अलावा ये तो हुआ आसान है ना, आसान चीज़ें जो कि बहुत आसानी से किसी के साथ भी कोई भी पार्टी शेयर कर सकती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब कुछ चीज़ें कठिन हैं सर, उस पर भी थोड़ा सा जवाब दीजिए। जैसे देवस्थानम पर मसला फंसा हुआ है, गैरसैन को लेकर कुछ भी क्लैरिटी अभी तक बीजेपी की तरफ से, ठीक है कह तो रही है लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी अभी बाकी है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है ना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष के साथ साथ जनता की तरफ से भी ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति इस वक्त आप बीजेपी बना रही है? क्या बीजेपी इस पर तो फोकस नहीं कर रही है, चाहे कितना भी प्रहार हो जाए बस एक जिताऊ उम्मीदवार खड़ा कर देना है, बाकी सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा? नहीं गौरीशंकर जी, मैं आपको चीज बताऊंगा कि हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने जो मुद्दे उठाने शुरू किए थे, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धीरे धीरे सारे मुद्दे उनके समाप्त कर दिए हैं। अब जो 2-3 मुद्दे रह गए हैं उनका भी समाधान हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये मुद्दा विहीन चुनाव उतरने वाले हैं और आज भी इनके पास तो मुद्दा नहीं है। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हमने ये काम किया, ये केवल नकारात्मक बातें कर रहे हैं। अभी आपने 2-3 प्रश्न पूछे, मैं उनको उत्तर भी देना चाहूंगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो बात आपने पूछी मुझसे, उसमें जो हमारी हाई पावर कमेटी है उसकी दूसरी रिपोर्ट बहुत शीघ्र आने वाली है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक सकारात्मक जो निर्णय लेंगे ऐसा हम सबको विश्वास है। जहां तक हक हकूक का सवाल है, हम पहले भी कह चुके हैं किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ना धार्मिक परंपराओं में होगा, और जो अन्य बिंदु है उनका समाधान भी हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। बेरोजगारी की आपने बात की तो बेरोजगारी में धामी जी के आने के बाद 24,000 पदों पर जो उस समय रिक्त थे उन पर कार्रवाई गतिमान है, तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। और अभी जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता है उन्होंने एक चुनौती दी थी कि अगर आपके 3200 से भी एक अधिक हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने दिखा दिया कि अकेले यूपीएससी के ही 3200 से अधिक थे और अभी जो कल आंकड़ा जारी हुआ है अधीनस्थ चयन आयोग का, वो संकट से कई गुना है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो शीघ्र अपना संन्यास ले लेंगे राजनीति से। इसी प्रकार से ऐसा होता कहां है सर, वो तो है ना, वो तो जुमलेबाजी होती है और हर पार्टी जुमलेबाजी करती है। आप रिजाइन थोड़ा ही दे देंगे, वो अभी ऊपर से आप चुनाव के पहले थोड़े रिजाइन ले लोगे आप उनसे जो है। राजनीतिक विश्वसनीयता बोलिए मत, आप या तो ऐसी बात बोलिए मत कि आपकी कल विश्वसनीयता ही खतरे पड़ जाए। खतरे पड़ गई है तो ऐसे में जो विपक्ष है उसे कोई मुद्दा रहने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, सर दोनों आसान कठिन सवालों पर, मतलब आसान चीजें आसान हो या कठिन हो, बीजेपी को पूरी तरह से माफ कीजिएगा, बीजेपी को पूरी तरह से उम्मीद है कि अपने तमाम मुद्दों पर अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और महाविजय लेकर ही दम लेंगे। जो 60 का लक्ष्य है आप लोग हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हरीश ऐठानी जी इस वक्त हैं, आपकी तमाम चीज़ों पर बड़ी आपत्ति उनको हो सकती है, लेकिन ऐठानी जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ऐठानी जी, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप लोग वही काम आजकल कर रहे हो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, अब तो वो काम भी करने लगे हो जो आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक बात समझाने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस का आधार क्या है, इस किस आधार पर, और जैसा कि बहुत दावे के साथ भसीन साहब ने कहा कि मुद्दा भी सब कुछ छीन लिया गया बीजेपी की तरफ से, तो क्या शून्य लेकर जनता के बीच में जाएंगे या फिर जनता को आपने पहले से तैयार कर रखा है, बस चुनाव का इंतजार है, नतीजे का इंतजार है कांग्रेस पार्टी को, बताइए सर ऐठानी साहब। गौरी शंकर नमस्कार, पहले तो जिस तरह से देवेंद्र भसीन जी को मैं सुन रहा था, हाँ, उस पार्टी का क्या इतिहास होगा जिसके सत्तासीन 25 विधायकों का टिकट ये काटने जा रहे हैं। भाई इसका मतलब आपके 57 में से 25 लोगों ने काम नहीं किया तो आपकी सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई और काम नहीं।
और कांग्रेस की रही बात, कांग्रेस हमेशा जनमुद्दों को लेकर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के चंद लोगों के बीच में घिरी हुई पार्टी है, चंद लोगों के बीच में घिरी हुई पार्टी है। आप ये देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का आम जनमानस से कोई भी सरोकार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपना झंडा, अपना डंडा, इसके अलावा आम जनमानस की समस्या है, चाहे उत्तराखंड के बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे अन्य समस्या उत्तराखंड को लेकर हो, इनका उस चीज पे कोई ध्यान नहीं है। मात्र अपने नंबर ऑफ विधायक बनाना, सुनिए तो ऐठानी साहब मैं तो आपकी पार्टी के बारे में पूछा, कहां बीजेपी की व्याख्या करने लगे आप। अपनी पार्टी की रणनीति बताइए ना, कि क्या महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम, गैरसैन, साथ ही साथ पलायन के मुद्दे पर कुछ ठोस रणनीति बना पाए, या फिर सारी चीजें आम आदमी पार्टी के हवाले कर दिए आप लोग। वैसे तो बीजेपी कह रही है किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने जनमानस के जो आम मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है, लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रही है कि उनको कुछ ना कुछ उनको राहत मिल सके। हाँ। और जो हमारा जो रोड मैप क्लियर है, हमारे सारे नेता लगातार कल देवस्थानम बोर्डों के जो मंत्री आवासों का घेराव किया था, वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां पर थे, उनके साथ खड़े थे, और लगातार माननीय हरीश रावत जी लगातार जनता के बीच में जाकर जन संवाद कार्यक्रम लगातार जनता के बीच में कर रहे हैं, और जनता इस बार निश्चित तौर पर भाजपा को पूरी तरह से साफ करने के मूड में। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा को किसी भी तरीके से साफ करना, लेकिन दिक्कत यह है ना सर, सिर्फ भाजपा ही नहीं है इस बार, आम आदमी पार्टी भी है। दिक्कत यह आ गई है कि पहले तो सीधे सीधे लड़ाई होती थी, या तो कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसकी सरकार आएगी, क्योंकि शिशुपाल रावत जी, हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी, और जो तीसरी पार्टी के रूप में जो आप जनता के बीच में आए हैं, राजनीतिक पार्टियों के अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमवाड़ा है आम आदमी पार्टी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है जनता के बीच। तो क्या सर, नहीं सर, एक चीज बताएं, राजनीति में महत्वाकांक्षा किस पार्टी के अंदर नहीं? अगर आम आदमी पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षा है भी कि वहां की सत्ता पर हम लोग राज करें, जनता को सही चीजें पहुंचा पाए, तो क्या गलत सोच रही है आम आदमी पार्टी? चलिए मैं आता हूँ शिशुपाल रावत जी के पास में आता हूँ। शिशुपाल रावत जी, एक बात बताएं कि आम आदमी पार्टी, ठीक है आप लोग कह रहे हैं ना कि तीसरा विकल्प दे रहे हैं, 21 साल के उत्तराखंड में किसी ने भी उत्तराखंडी, जो पहाड़ों की जो समस्या है, उत्तराखंड की जो समस्या, उसे बहुत बहुत गहनता से कोई रूबरू नहीं हो पाया, बस पार्टी पॉलिटिक्स करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे, जनता को खोखला करते रहे। आप लोग के आरोप है, दरअसल इन आरोपों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, भीड़ भी जुटा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात जानना है आम आदमी पार्टी के शिशुपाल रावत जी से, कि इस भीड़ को कन्वर्ट कैसे करेंगे वोट में, क्योंकि कठिन है थोड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, क्योंकि बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे, दोनों मजबूत पार्टी है ना शिशुपाल रावत जी, ऐसा नहीं कि बहुत हल्के में लिया जा सकता है। क्या है सर तर्क, थोड़ा सा बताइए अपना। आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो है वर्क कल्चर, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग बीजेपी कांग्रेस जो 21 साल में काम किया है, निश्चित रूप से अभी तक क्या होता था कि जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, कांग्रेस से नाराज हो गए बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी से नाराज हो गए कांग्रेस को वोट दे दिया, ठीक है, या कांग्रेस से नाराज हो बीजेपी को वोट दे दिया। ये जो कल्चर है, अभी हरीश ऐठानी जी भी कह रहे हैं और हमारे जो प्रोफेसर साहब है वो भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि इस बार अचंभित परिणाम आएंगे। आम आदमी पार्टी आज पूरी तैयारी और पूरी शिद्दत के साथ लोगों के दरवाजे पर नमस्कार करने जा रही है, अपने एजेंडा बता रही है। दिल्ली में जिस प्रकार से हेल्थ और एजुकेशन में गुड गवर्नेंस दे करके 60,000 करोड़ के बजट में सब कुछ जो है लोगों को रॉयल्टी देकर के, महिलाओं के बस पे जो है कि फ्री टिकट देकर के, गार्ड लगा करके, बिजली पानी गरीबों को 70% लोगों को देकर के, उसके बाद सरकार 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। बीजेपी कांग्रेस बताए कि भाई 21 साल आप लोगों ने शासन किया, आपके साथ बसपा और यूकेडी भी शामिल रही,
आज 21 साल बाद उत्तराखंड का भी 57,400 करोड़ का बजट है, 66,000 करोड़ से ऊपर कर्जा इस प्रदेश पर है। और आपने पहले भी कहा कि देखिए अब छलने वाली बात नहीं होगी कि कोई गैरसैंण में जो है अस्थायी राजधानी की बात कर रहा है, कोई गैरसैंण में विधान। लेकिन सुनिए रावत साहब एक आरोप देखिए, एक जो है आरोप कह सकते हैं, आरोप तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसको अंडर एस्टिमेट भी किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से। कहा जा रहा है कि ऊपर की पंक्ति में 3 नेता, नीचे की पंक्ति में 4 नेता और उसके नीचे 5-6 नेता, बस यही है, यही उत्तराखंड में जो है धमाल मचा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है मीडिया उडिया में खूब बैठ कर की डिबेट में खूब बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी छाई हुई है, जबकि जनता से बहुत अधिक कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, बस ऊपर चीज़ें बस दिख रही। ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूं सर, है ना, ये जब भी मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बैठाता हूं तो ऐसे ही आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं ये लोग जो है। देखिए निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का ना पंच है, ना प्रधान है, ना हमारे पास वोट बैंक उत्तराखंड में, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जो हमारी मेहनत है, जो जनता का कनेक्टिविटी हमारे साथ है, जो हम बिजली पानी और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, उत्तराखंड और दिल्ली दूर नहीं है। उत्तराखंड का हर परिवार दिल्ली से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और निश्चित रूप से बीजेपी कांग्रेस भी अब थोड़ा 5-10% विकास के मुद्दों पर बात करने लग गई है। इससे पहले बीजेपी जो है धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहती थी, कांग्रेस अपने वही 70 साल में हमने ये किया या हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, लेकिन उससे आप काम नहीं चलने तो वाला। कहां सर, उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद जैसी कोई घटना तो घटती ही नहीं है, कांग्रेस की भी सरकार रही तो ऐसी कोई घटना तो आया ना, बड़ा मैं तो शांति प्रिय राज्य मानता हूं उसको। हमें लग रहा है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी की हो। धार्मिक उन्माद के आरोप ना तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगते हैं उत्तराखंड में, ना ही बीजेपी के ऊपर लगते हैं। कम से कम देखिए बड़ी अच्छी बात है, मैं तो हर प्रदेश के नेताओं से है ना बैठ करके बातचीत करता हूं, लेकिन उत्तराखंड के नेता में अलग बात है, पढ़े लिखे और बहुत ही मतलब डिसेंसी के साथ बात करते हैं राजनीति के भी, और कहां धार्मिक उन्माद वाली जैसी चीजें तो है ही नहीं उत्तराखंड में, इतना शांति प्रिय स्टेट है, फिर क्यों बात कर रहे हैं रावत साहब इस पर आप? नहीं, धार्मिक उन्माद का तथ्य मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लाना चाहती है। कहां सर, उत्तराखंड में आपका ये सब चीज तो है ही नहीं, क्यों आप बदनाम करना चाह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को? आप भी इस चीज से बैक होइए ना कि नहीं ठीक नहीं है, स्टेटमेंट ठीक नहीं है आपका है। कहां उत्तराखंड में मेरे को नहीं दिखता है, वहां पर हिंदू हो मुसलमान हो बड़े सौहार्दपूर्वक रहते हैं वहां पर। और जब आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं के आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद ये चुप हो गए। इन्हीं के राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड में आकर के चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे चलिए ठीक है, मतलब उत्तराखंड में नड्डा साहब क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं, उस पर आप ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। वैसे तो फिर केजरीवाल साहब भी बहुत कुछ कहते हैं, उस पर फिर भसीन से आप फोकस होने लगेंगे। डॉक्टर देवेंद्र भसीन के पास आते हैं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी एक बात बताएं, ये आम आदमी पार्टी जैसे आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा वोट बैंक नहीं है, लेकिन लोगों के पास जा रहे हैं, लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, सभी को पता चल जाएगा कि क्या अचंभा नतीजा होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि बीजेपी के तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, कहा जा रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार पर दाम लगाया जाएगा, क्या इसी रणनीति के तहत जो है मिशन या लक्ष्य 60 से ऊपर आप लोग हासिल करेंगे? देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे जो मित्र आम आदमी पार्टी के शिशुपाल जी बात कह रहे थे, उत्तराखंड में कई साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनके पैर जम नहीं पा रहे, और आज इनके वास्तव में 70 उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये देख रहे हैं कि कैसे अन्य पार्टियों के नेता हमारी तरफ आए तो हमारा जो 70 का आंकड़ा है प्रत्याशियों का वो पूरा हो, एक बात। दूसरी बात, उत्तराखंड में तो इनकी भूमिका रही नहीं है। अब दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली के मॉडल की है बार बार बात करते हैं, लेकिन दिल्ली का मॉडल इनका फ्लॉप हो चुका है। हमने एक के बाद एक करके डिबेट के अंदर बताया कि दिल्ली में किस प्रकार से लोगों को छला गया, या एक लाख रोजगार देने वाले केजरीवाल, इसलिए मना कर रहा था आपको रावत साहब कि मत बोलिए अमित शाह जेपी नड्डा को बताइए, फिर आ जाएंगे आ गए ना, मैं हसीन साहब भी आ गए, अब केजरीवाल भी उठाएंगे सवाल भी। आम आदमी पार्टी 14 में जो 28 सीट थी, 15 में जो है कि 70 सीट आई, उसके बाद 20 में 62 सीट आई। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खुश है, और दिल्ली की जनता उत्तराखंड के जितने 40 लाख लोग रहते हैं वो घर गांव जाके कह रहे हैं
कि जो कोविड में वसीन साहब आप बोलिए, आप ही का टर्न था तो बीच में आ गए रावत साहब। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है ना। देखिए मेरा वक्त है, मैं बोलने दीजिए, मैंने आपके समय में नहीं टोका था शिशुपाल जी। मेरा कहना है यहाँ पर आप सुनना नहीं चाहते। शिशुपाल जी जो है, जब मैं आईना दिखा रहा हूँ आम आदमी पार्टी को, ये उसको सहन नहीं कर पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप माँ नंदा देवी को जो उनका पर्वत है, तुम कूड़े का ढेर बोलते हो, यहाँ से बोलते हो, यहाँ बोलते हो। अरे मेरी बात तो सुनिए, पिछले साल से बात सुनिए, हो यहाँ बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, वहाँ एक पैसे का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। पराली के नाम पर 40,000 का रसायन घोला, 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिया इस पर, प्रचार के ऊपर। ये आपके आम आदमी पार्टी का चेहरा जो है दिल्ली की जनता ने देख लिया। अब वहां भी आप लौट के नहीं आने वाले, और उत्तराखंड में तो आप इंतजार कर रहे हैं कहां से टूटेंगे बीजेपी के, कहां से टूटेंगे कांग्रेस के, तो हमारा जो 70 का आंकड़ा है पूरा हो जाएगा। तो जमीन पर चलिए ठीक है, मैं एक सवाल, चलिए मैं समझ गया सर, मैं समझ गया कि देखिए ठीक है, रणनीति है, दावे भी सही है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है कि हम तीसरा विकल्प बन करके आ रहे हैं, तो ये भी मतलब इसको भी बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मुझे तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी को बहुत निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी थोड़े देर के लिए निश्चिंत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कैसे निश्चिंत हो जाए, क्योंकि सबसे पहली सेंधमारी तो आपके वोट बैंक में होने वाला है। ऐठानी साहब, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों प्रचार के नाम पर खूब फंड लुटाने का काम कर रहे हैं, पोस्टर बैनर होर्डिंग के नाम से काम कर रहे हैं। जनता के बीच में, जनमानस के ऊपर इनके पास कुछ भी नहीं बचे, इनका सिर्फ काम है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में मात्र 3 मुख्यमंत्री जो बदले हैं। अब ये पिछले 2 मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं बता रहे, जो 6 महीने के जिसमें को कार्यकाल मिला उनके कार्यकाल को बताने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में क्या रोड मैप आपने उत्तराखंड को दिया? आज चुनावी समय में आप झुंझुना थमाने का काम कर रहे हैं लोगों को। ये है, ये घर घर बांट रहे हैं, 32 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप पढ़िएगा, आपको पूरे मालूम चल जाएगा कि डबल इंजन की सरकार ने माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और यहाँ पर राज्य की सरकार के जो काम किए हैं वो सारे में डॉक्यूमेंटेड किए हैं। आपने तो केवल नकारात्मकता की है, चाहे कोरोना काम रहा हो चाहे दूसरा कोई काम रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का कोरोना काल सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से उनके 4-4 महीने का वेतन, 5-5 महीने का वेतन लेने का काम किया कोरोना काल में। एक पत्र जारी करे सरकार कि कोरोना काल में इतना गंदा इकट्ठा किया और इतना काम किया, और मुझे पूरा आसन देकर कह रहा हूँ कि हाथ और पैर। चलिए सर, चलिए सर, कोई नहीं, एक दूसरे पर आरोप तो लगाते ही रहेंगे, लगाना भी चाहिए, चुनाव है तो सब लोगों की अपनी अपनी बात होनी चाहिए, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता जिसकी बातों में भरोसा करेगी उसी उसी के फेवर में नतीजे आने वाले। आप तीनों यहां पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।